ये रोना धोना है ना स्टेज पर जाके करना। तुम क्या हुआ बता दिया उसे आधा सच या पूरा? Get lost. Hey, duffer, पर्दा उठने वाला है। We are getting late. Next set के लिए positions कौन लेगा? चलो, जल्दी करो। Zenia, Zenia कहाँ है? चलो चलो। We are getting late. Oh, sir जी, stage वहाँ नहीं यार। दिमाग कहाँ है? अरे ठीक है यार, मैं भूल जाता हूँ कभी-कभी। But तुम ना मुझसे तमीज से बात किया करो समझे? अरे director हूँ मैं। सपना जी, चलें। मैं ready हूँ। And please, मेरा नाम सपना नहीं जिगिशा है। हाँ चलो। Okay, okay. Attention, Zenia, Zenia, चलो, come on. I'm so happy you could come, KD. Thanks a lot. आपके भांजी के शो में नहीं आऊंगा तो किसके शो में जाऊं? खराब दिन रात केस लड़ते रहते हैं। कुछ तो चेंज होना ही चाहिए। हाँ, 10 नंबर मेरी सीट। From courtroom drama to stage drama. ये लो मौत का सामान और खत्म कर दो उसे। All the best. मेरी भांजी Zenia, Zenia। क्या शुरुआत में अंत छुपा है या अंत में छुपी शुरुआत? मेरे जीवन का रहस्य मेरी मौत से सुलझ सकती है। प्रोमेथियस, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास सातवें आसमान पार करके। Careful, princess, चाकू है। बिली, नकली चाकू है। क्या कर रहे हो? पर इधर से तो असली दिखता है। शायद मेरी मौत ही हमारा मिलन है। नहीं सलीना, नहीं। तुम अपनी जान नहीं दे सकते। तुम्हारी जान मेरी है। मास्टर, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ कि प्रोमेथियस को तुमने ही मारा है। हाँ, ताकि मैं और तुम फिर से एक हो सके सलीना। मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी मास्टर, तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ मौत। मेरा पेट, मेरा पेट, मेरा पेट। अरे ये कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। अरे दिस इज कॉल्ड मेथड एक्टिंग, बहुत सही कर रहा है। मेरा पेट, Zenia, Zenia मेरा पेट, Zenia, Zenia नहीं, सलीना, help, somebody help, help, help कोई help, help। सर मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मैं जाकर देखूं? अब हाँ हाँ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी आके देखो। कोई है? Help! मानस, क्या हुआ तुम्हें? Help! Please help! मानस, 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 सर, 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 जल्दी इधर आइए सर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? मानस, क्या हुआ तुम्हें? मानस, चलो इसे उठा के ले चलो, साइड में ले चलो पहले। मानस, मानस, मानस उठो। अरे कोई डॉक्टर है क्या ऑडियंस में से? मैं डॉक्टर, आप घबराइए मत, मैं अभी आ रहा हूं। जल्दी आप लोग हटिए यहां से, थोड़ा हवा आने दीजिए, प्लीज हटिए यहां से। I'm sorry. He's no more.
दवे तो समझ नहीं रहा है। ये स्पष्ट है कि किसी ने उस नकली चाकू की जगह असली चाकू रखा। या फिर जिने ने जानबूझकर असली चाकू यूज किया। You are a गधेड़ा or what? मेरी जीनिया लाइफ में झूठ नहीं बोलती। अरे वो किसी को लापापन नहीं मार सकती है, किसी का खून कैसे कर सकती? बिली 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 मैं बात कर रहा हूँ। देख दवे, क्यों क्यों हत्या करेगी वो? और वो भी सबके सामने खुलेआम। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, हम जीनिया को जाने नहीं दे सकते। लेकिन ये कोई दुर्घटना नहीं है, हत्या है। और किसी ने तो नकली चाकू की जगह असली चाकू रखा होगा ना। नहीं केडी साहब, मुझे नहीं पता कि वो असली नाइफ कहाँ से आया। स्टेज पर जाने से पहले मैंने खुद चेक किया था, वो नाइफ नकली ही था। देखो जिनिया, अगर कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो तो बताओ। केडी साहब, मैं सच कह रही हूँ, अगर मैंने कुछ भी किया होता ना तो मैं उसे झुटलाती नहीं। सब मैं जब 15 साल की थी तो मेरी एक झूठ की वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मैंने कसम खाई थी कि चाहे जो कुछ भी हो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। वो चाकू तुम्हें दिया किसने था तुम्हारे हाथ? विलास सर ने, हमारे प्ले के डायरेक्टर। अच्छा, तो ये जो तुम्हारे नाट्य का गुट था, इसमें से किसी सदस्य की मानस के साथ कोई दुश्मनी अंततः तो क्यों कोई मानस को मारना चाहेगा? क्या कारण हो सकता है? आप सही कह रहे हैं सर, कोई तो है जिसने मानस को मारना चाहा होगा। ऑफ कोर्स कोई है जो उसे मारना चाहेगा। ज़ेनिया, आप इस केस की हीरोइन नहीं, वैम्प है, वैम्प। कैसे प्रोसिक्यूटर साहब, कैसे कोई हत्या करेगा वहां दर्शकों से भरे हॉल में सैकड़ों गवाहों के सामने? यही तो गेम है पाठक जी। अगर इन्होंने उस हत्या का प्लान बनाया होता और चुपके से किया होता तो लोगों का शक इन पे जाता। तो इन्होंने प्लान किया क्यों ना सबके सामने भरे मजमे में उसका मर्डर किया जाए। इससे वो इसे एक एक्सीडेंट का रूप दे देते और किसी को इन पे शक नहीं होता और ये कह देते कि भाई गलती से हो गया ना। बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म का प्लान है यौन, बिल्कुल। ओ माय गॉड, ये चाकू कैसे बदल गया, असली कैसे हो गया? ये कहा था ना आपने मशीन। सर मैं नहीं जानती, पर लग गए चाकू को, पर लग गए और चाकू नकली से असली हो गया। ऑनर यौन, ये है वो चाकू जिसे मर्डर हुआ और इसी चाकू का एक हमशक्ल भी चाकू है। इस केस में यौन चाकू के डबल रोल है। पर नाटक में क्या होने वाला था? मैं बताता हूँ यौन, Your Honor, नाटक में इस प्रकार के नकली चाकू का उपयोग होता है जिसकी धार, Your Honor, जिसका ब्लेड अंदर की तरफ चला जाता है। नाटक के चलते जीनिया जा करके पेट पे प्रहार कर और वो चाकू को पकड़ लेता है और अंदर पोशाक में लगी लहू की थैली, नकली लहू की थैली, Your Honor, वो फट जाती है, जिससे ऐसा प्रकट होता है कि वार असली में किया गया, किंतु ऐसा होता नहीं। तो क्या वो खून की थैली फटी? असली चाकू से वार होगा तो थैली तो फटेगी। असली चाकू जब मानस के पेट में गया तो नकली खून की थैली के साथ साथ उसका असली खून भी बाहर आया। और उंगलियों के निशान? योर ऑनर, उस चाकू पर किसी की उंगलियों के छाप नहीं, जीनिया के भी नहीं। कहां से पाए जाएंगे योर ऑनर? हाथों में दस्ताने पहने हुए थे उन्होंने। वो नकली चाकू है कहां? चाकू लापता है यहाँ, वो न ग्रीन रूम में मिला न मंच पर पाया गया। ऐसा प्रकट होता है कि किसी ने उसे वहां से गायब कर दिया। इनके मौके से पूछिए, उन्होंने ये गायब किया होगा जिस तरह से उन्होंने मानस को इस दुनिया से गायब करने का प्लान बनाया। आखिर टूटे दिल की दास्तान जो है, मतलब इसके आगे की कहानी आपको इनके थिएटर की एक जूनियर आर्टिस्ट अर्पिता बताएंगे। सर पूरा ट्रूप जानता था कि जीनिया और मानस के बीच बहुत महीनों से कुछ चल रहा था। हाँ, बट पिछले कुछ महीनों से मानस ब्रेकअप करना चाहता था और इसीलिए सर दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। और उस दिन जब नाटक से पहले मैं
कॉरिडोर से जा रही थी तो मैंने सुना कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है ना, इससे तुम मुझे छोड़ रहे हो, राइट? Come on, Zenia. I don't love you anymore. किसके साथ चल रहा तुम्हारा अफेयर? हाँ, तालिया के साथ? हाँ, बोलो, जवाब दो। दिमाग खराब है तुम्हारा, you stupid girl. देखो, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ. आज के बाद तुम्हारे रास्ता अलग है और मेरे रास्ते अलग है. रास्ते तो मैं तुम्हें लगाऊंगी. इस नाटक में मैंने तुम्हें ब्रेक दिया, मेरी वजह से तुम्हें ब्रेक मिला है. और तुम देखो मैं क्या करती हूँ. जल्दी, अरे जो करना कर, मैं भी देखता हूँ. मेरी हिम्मत देखती है ना तुम्हें, ये तुम्हारा आखिरी शो होगा. आखिरी शो, ये तुम्हारा अंतिम शो होगा. आखिरी शो, इस डायलॉग का मतलब समझ रहे हैं पाठक? जी 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 प्रोसिक्यूटर साहब, इसका अर्थ ये होता है कि ज़ीनिया अपने डायरेक्टर से मानव की शिकायत करने वाली थी और डायरेक्टर मानव को शो से बाहर करने वाले थे, इस कारण ये मानव का अंतिम नाटक था. पाठक जी, नाटक तो आप कर रहे हैं, ना समझने का. ज़ीनिया सब समझती थी, उसने सारी प्लानिंग बना रखी थी पहले से कि वो स्टेज पे जाके क्या करने वाली. उसके सामने पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट बिल्कुल क्लियर थी और उसने वही किया. प्रोसिक्यूटर साहब, आपकी अनुमति हो तो मैं जरा. धन्यवाद. ये जो कहानी सुनाई तुमने अर्पिता, क्या अब इनके अतिरिक्त के जीवन में, मानस के जीवन में और कोई महिला जिसके साथ उनका संबंध? आई डोंट नो सर, होगा. घड़ी बहुत सुंदर पहनते हैं आप. अब इस घड़ी को तो आप छिपा लेंगी, लेकिन उस घड़ी को आप कैसे छिपाएंगी जिस घड़ी मानस ने आपको ये घड़ी भेंट स्वरूप दी थी? ऑप्शंस, टाइम जोन से इतनी महंगी घड़ी खरीदी उन्होंने, उसकी बिल की कॉपी योर ऑनर आपके मेज पर रखी हुई है. इस घड़ी के पीछे मेरी जानकारी के अनुसार बड़े प्रेम से लिखा हुआ है, लव एम फॉर मानस. तो वो लड़की तुम थी जिसकी वजह से मानस ने मुझे, I knew it, you. तो मानस लाइक मी, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? और तुम्हें क्या लगता है, मानस दूध का धुला था? उसकी लाइफ में तुम्हारे और मेरे अलावा एक और लड़की थी. ऑर्डर, ऑर्डर. कौन? नो सर, मुझे नहीं पता, बट मानस की डेथ में मेरा कोई फॉल्ट नहीं है. योर ऑनर, फॉल्ट तो इनका मानस के मर्डर में भी नहीं है, क्योंकि जब ज़ीनिया ने मानस को चाकू घोंपा था उस वक्त ये बैक स्टेज में थी. ज़ीनिया, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो वो चाकू बदला गया था उसमें कहीं अर्पिता का हाथ हो सकता है? अर्पिता उस नाइफ के आसपास भी नहीं थी. इसमें अर्पिता का कोई फॉल्ट, कोई हाथ नहीं. ठीक है अर्पिता जी, आप जाइए, बैठिए बिरा जी, प्लीज सिट डाउन. वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हुआ. बधाई? किस चीज की बधाई? मे आई नो व्हाई? बधाई इस कारण क्योंकि अब तो ज़ीनिया जी के इस आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उस नाटक में मुख्य अभिनेत्री का पात्र तो आप ही करेंगे, है ना? नहीं है, बैठिए बैठिए विराज जी. योर ऑनर, अर्पिता जी ने अपना कथन दिया. उस नाटक में एक और अभिनेत्री है जिस केस पर अधिक रोशनी डाल पाएंगे, जिगीशा जी. सर, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मानस ने सिर्फ ज़ीनिया का ही दिल नहीं दुखाया था, बल्कि पूरे ट्रुप में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, उसके बहुत दुश्मन थे. अच्छा, कौन था? किन किन व्यक्तियों से विशेष रूप से उसके दुश्मन थे? जैसे कि डायरेक्टर विलास. मानस उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, इस वजह से उन दोनों में काफी झगड़े होते थे. मेरा प्यार, मेरा जुनून पर्वतों से ऊंचा है,
सागर से गहरा, सूरत से। एक मिनट, क्या ये तोते की तरह रट्टा डायलॉग मार रहे हो यार? अरे अंदर से फील करो, अंदर से। सही तो कर रहा हूं। अच्छा डायरेक्टर तुम हो या मैं? डायरेक्टर कम भुलक्कड़ ज्यादा हो। What? How dare you talk to me like that? तुमने इस तरह बात कैसे की मुझसे? अभी अभी के अभी इसी वक्त निकलो मेरे प्लेस से। ओ मिस्टर भुलक्कड़, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना चावला जी के साथ साइन हुआ है, तुम कोई होते नहीं हो मुझे निकालने वाले। इसलिए अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। भुलक्कड़ निर्देशक, भुलक्कड़ डायरेक्टर। जी पाठक साहब, विलास अपनी क्रिएटिव सोच के चक्कर में सुध-बुध भुलाकर चीजें भूल जाया करता था, जैसे कि एक्टर्स के नाम, शूटिंग लिस्ट्स, प्रॉप्स। प्रॉप्स? प्रॉप्स से आपका तात्पर्य वो नाट्य सामग्री इत्यादि? तो योर ऑनर, संभव है कि इसी भुलक्कड़पन में विलास ने ज़ीनिया को उस नकली चाकू के बजे असली चाकू दे दिया हो। नहीं नहीं, मुझे याद है, मैंने उस दिन नकली चाकू ही दिया था मारिया को। मारिया को? मारिया कौन है? नहीं नहीं, वही मतलब ज़ीनिया। ज़ीनिया? अच्छा, ज़ीनिया को। एक्चुअली सर मैं नाम भूल जाता हूँ कभी कभी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, यह मनुष्य से भूल तो होती है, लेकिन यूं ही पूछ रहा हूँ कि अगर आपको नाम में भूल हो सकता है तो काम में भूल क्यों नहीं हो सकता? संभव है कि आपने आपने वो असली चाकू ज़ीनिया को दी हो, ये समझ कर कि आप उन्हें नकली चाकू दे रहे हैं। संभव है ना? इट्स पॉसिबल। नहीं केडी सर, विलास सर ने मुझे नकली नाइफ ही दिया था। पर्दा उठने से पहले मैंने नाइफ को एक बार चेक किया था। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। ये पेटेंट कोर्टरूम ड्रामा है, हर फिल्मों में देखने को मिलता है। हाँ तो मिस ज़ीनिया, आपने मिस्टर पाठक के सारे गवाहों को इनोसेंट साबित करके बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब आपके जहन में ये बात चल रही होगी कि इनमें से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, और कौन है वो? इसलिए योर ऑनर, अब मैं एक ऐसे गवाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ जो सिर्फ सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। सच बोलना उनके संस्कार में है और उनकी आदत है। तो इस तारीफ के साथ मैं आज कटघरे में मिस्टर केडी पाठक को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। तो पाठक जी, उस रात उस ऑडिटोरियम में आप भी नाटक देखने गए थे? जी गया था। तो सेकंड हाफ का पर्दा उठने के बाद स्टेज पे आपने क्या देखा? मैंने देखा कि ज़ीनिया ने जब मानस को चाकू घोंपा तो उस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब आपको शक हुआ? कैसा लगा आपको? पहले तो नहीं, लेकिन बाद में जब मंच पर मानस कराहने लगा। ज़ीनिया मेरा पेट, हेल्प, समबडी हेल्प। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? उसके बाद करना क्या था प्रोसिक्यूटर साहब? बस फिर लोगों में से डॉक्टर बुलाया गया और लोगों की तरह मैं भी मंच पर पहुंचा।
जब आप अपने सीट से स्टेज की तरफ जा रहे थे उस दौरान आपकी नजरें मानस पर टिकी थी जी, तो आपको लगता है कि उस दौरान कोई नकली चाकू को असली चाकू में बदल सकता है? मुश्किल था ना जी। ज़ीनिया का कहना है कि पर्दा उठने के पहले उसके हाथ में जो चाकू था वो नकली था। आपने पर्दा उठने के बाद ज़ीनिया के हाथ में जो चाकू देखा उसी से मानस का मर्डर हुआ, यानी कि मानस की मौत असली चाकू से हुई जो मुसलसल ज़ीनिया के हाथ में था। इसका मतलब ज़ीनिया झूठ बोल रही है या फिर आप? देखिए प्रोसिक्यूटर साहब, मैं जानता हूं कि ज़ीनिया कभी झूठ नहीं बोलती। अगर इन्हें झूठ बोलना होता तो ये विलास को, अर्पिता को दोषी ठहरा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया है, इन्होंने सत्य सत्य बोला। पाठक जी, जहां तक मैं जानता हूं आप भी झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते। आपकी इस गवाही ने मेरे जहन को ज़ीनिया के खिलाफ और मजबूत कर दिया है। योर ऑनर, ये साबित हो गया है ये मर्डर ज़ीनिया ने ही किया है, और मोटिव दिल, और दिल के लिए ऐसी कई चीजें हम लोग कई फिल्मों में देख चुके हैं। दिलीप प्लीज स्टॉप क्राइंग। यदि ज़ीनिया खूनी नहीं हो सकती केडी, किसी ने उसका चाकू जरूर बदली किया होगा। लेकिन ज़ीनिया तो खुद कह रही थी कि विलास और अर्पिता नहीं कर सकते, तो कोई और किया होगा। वो दूसरी एक्ट्रेस, वो दूसरी एक्ट्रेस जिगीशा, लेकिन बिलीव वो उस समय ज़ीनिया के निकट तो थी नहीं, वो कैसे करेगी? तो फिर और कौन हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल सर, वो चाकू बदला तब? जो कुछ भी हुआ वो हम सबके नजरों के सामने हुआ। यही तो प्रश्न है कि किसने रचा ये षड्यंत्र, किसने और कैसे चाकू को बदला गया? जो भी हो, मेरा पेट नहीं मानता कि ज़ीनिया मर्डरेस है। पेट नहीं बिली, पेट नहीं, दिमाग नहीं मानता। पेट का मेरा पेट क्या हुआ सर? पेट, मैं जरा सोच रहा हूं हमें जाकर ज़ीनिया से मिलना चाहिए। ज़ीनिया, मुझे याद तो है, लेकिन फिर भी एक बार पुष्टि करना चाह रहा था। जब वहां मंच पर तुमने चाकू मारा मानस को, क्या हुआ था फिर? सबसे पहले वो जमीन पर गिरा, फिर उसने मेरा नाम लिया ज़ीनिया, और फिर उसने कहा मेरा पेट। हाँ ठीक कह रहे हो, कह नहीं रहा था, वो करहा रहा था मेरा पेट मेरा पेट। ऐसा व्यक्ति तभी करता है जब उसके पेट में दर्द होता है। एक मिनट सर, मानस को एक प्रॉब्लम थी, उसे मूंगफली से एलर्जी थी। अच्छा, मूंगफली से एलर्जी? क्या अब्बा, नाटक प्रारंभ करने से पहले उसने मूंगफली खाई थी? नहीं सर, उसने सिर्फ एक एप्पल खाया था जो उसका रूटीन था। मुझे शंका है ज़ीनिया की, तुमने नकली चाकू का उपयोग किया और वो गिर पड़ा फर्श पर और करहाने लगा। मेरा पेट। तो उसे उठा कर लेकर थे और डॉक्टर आया, उसने मानस को मृत घोषित किया। I'm sorry. He's no more. इसी के बीच किसी ने उस नकली चाकू को वहां से लापता किया और असली चाकू मानस के पेट में घोंपा। पर कौन? अर्पिता कह रही थी कि मानस का किसी तीसरी महिला के साथ भी चक्कर था, तुम जानती हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती वो तीसरी लड़की कौन थी। अरे एक मिनट रुको, क्या कर रहे हो हर्ष? क्या चल रहा है, इतना कैजुअली गिर रहे हो? अरे एक तो तुम्हें मानस का रोल दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, और तुम रियलिज्म चाहिए मुझे, रियलिज्म, फील इट। केडी सर, हाँ आइए सर, आइए। सर अर्पिता को तो आप जानते ही हैं। ऑफ कोर्स। और ये हर्ष है, ये मेरे प्ले में अब मानस वाला रोल करने वाला। उस रात को कहाँ थे आप? सर पहले तो मैं बैकस्टेज संभाल रहा था, पर जब मानस पर अटैक हुआ तो फिर मैं आगे आ गया। मैंने देखा था सर्वप्रथम मंच पर आप ही आए थे, तो बैकस्टेज से कैसे? छोड़िए, कब से, कितने वर्षों से अभिनय कर रहे हैं आप? नहीं नहीं सर,
ये तो डायरेक्शन असिस्टेंट है लेकिन एक्टर भी बहुत अच्छा है। मैंने इसके अंदर टैलेंट देखा तो ब्रेक दे दिया। सर ये विलास का कजिन है इसलिए इसे रोल मिल गया। और आप कहां थे जब ये घटना घटी? सर यहां से मैं जीनिया और मानस की लड़ाई सुन रही थी और वो दोनों अंदर थे। उसने सिर्फ एक एप्पल खाया था जो उसका रूटीन था। और फिर यहाँ से? फिर सर मानस बाहर आया और मैं जाने लगी। सर उधर से विलास सर आए। विलास सर बहुत गुस्से में थे और सर जाते जाते मैंने सुना कि विलास सर जिगिशा मैम को बहुत डांट रहे थे। और सर फिर वो चाकू विलास ने जीनिया को बैकस्टेज में दिया। क्या आप बार बार मेरा नाम क्यों लेती हैं बीच में जिगिशा जी? जिगिशा समय आप कहाँ थे? सर मैं उस वक्त स्टेज की सफाई करवा रहा था। फिर जीनिया स्टेज पर गई, उसने पोजीशन ली, पर्दा उठा और उसके बाद तो जो हुआ वो आपने भी देखा। रात जीनिया यहाँ खड़ी थी, नाटक का आरंभ किया, समय बाद मानस वहाँ से आया और कथा अनुसार जीनिया ने नकली चाकू उसके पेट में घोपा, मानस गिरा और सर्वप्रथम आप आइए। पर सर मैंने कुछ नहीं किया, जब तक मैं वहाँ पहुँचा मानस ऑलरेडी मर चुका था। के बाद आप आए विलास, मानस और फिर बाकी का, और फिर आए डॉक्टर साहब जिन्होंने मानस को डेड डिक्लेयर किया। I'm sorry. He's no more. विचित्र बात है, इस घटनाक्रम में नकली चाकू गया कहा और वो असली चाकू कहां से? केडी सर एक बात कहूं आपसे, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? अरे कमाल की पर्सनालिटी है आपकी, स्टेज प्रेजेंस भी देखिए गजब का है, कमाल कर देंगे आपका कसम से। धन्यवाद। इस समय तो मैं ये सोच रहा हूं कि उस रात पुरस्कार योग्य अभिनय किसने किया। चलिए वरुण। तो जो खाया हुआ एप्पल आपने टेस्ट के लिए दिया था ये रही उसकी रिपोर्ट। मेरा शक सही निकला वरुण, किसी ने उस सेब में इंजेक्शन द्वारा मूंगफली का तेल डाला। What? मूंगफली का तेल? पर क्यों? क्योंकि मानस को मूंगफली के तेल से एलर्जी थी। नाटक शुरू होने से पहले उसने सेब खाया हो जिसके कारण शो के चलते समय के पेट में दर्द हुआ वो गिरा। लेकिन उससे उसकी मौत नहीं हुई सर, उसकी मौत तो चाकू से हुई है। फिर सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ, कल अदालत में समझाऊंगा तुझे भी और न्यायाधीश महोदय को भी। सर एक और क्लू मिला, जनरली प्लेज में वीडियो फिल्मिंग अलाउड नहीं, लेकिन हमारे रो के पीछे एक आदमी बैठा था जिसने पूरी घटना अपने फोन कैमरा पर रिकॉर्ड की। सो रिकॉर्डिंग मैंने इस पेन ड्राइव पर ट्रांसफर कर ली। चलो। नहीं सलीना नहीं, तुम अपनी जान नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी मानस, तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ मौत। क्या ढूंढ रहे हैं पाठक जी? कुछ नहीं मिलेगा भाई, सब कुछ साफ है इसके अंदर। जेनिया ने चाकू से मानस पे हमला किया जिससे मानस की मृत्यु हो गई। कृपया बताइए इस खाए हुए सेब मूंगफली का तेल किसने डाला? अरे ये सब जेनिया ने ही किया होगा भाई, ताकि मानस कमजोर पड़ जाए और अपना बचाव ना कर सके। लेकिन मानस को सेब तो हर्ष ने दिया था। सर ये एप्पल मैंने ही मानस को खिलाया था, लेकिन ये तो रोज की हमारी आदत थी, रोज मैं उसके साथ अपने फ्रूट शेयर करता था। सर आप खुद ही सोचिए, मैं मानस को मारूंगा क्यों, मुझे क्या मिलेगा उसको मार के?
संभव है कि जो पात्र मानस कर रहा था वो पात्र आप स्वयं करना चाह रहे थे, आपने सोचा अगर उसे मार दिया जाए तो वो पात्र आप ही बन जाए। मानस मेरे भाई जैसा, वो मेरे साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर करता था, वो किस लड़की को कब डेट करा है मुझे सब पता होता था। फिर तो तुम हमें बता सकते हो कि जीनिया और अर्पिता के अतिरिक्त जो तीसरी लड़की थी जिसके साथ मानस जी का टांका भिड़ा हुआ था, चक्कर चल रहा था, वो कौन थी बताओ? अबे तीसरा कौन, वो कौन थी? पाठक जी, ये तीसरी लड़की के पीछे क्यों पड़े? योर ऑनर, तीसरी अगर कोई थी महिला तो ये जानना आवश्यक है कि वो कौन थी। हो सकता है कि मानस की हत्या उसी ने की। ऑनर, जब वो लड़की थी ही नहीं तो जान कैसे ले ली उसने? तीसरी लड़की थी सर। ये जरूर है कि मुझे उसका नाम नहीं पता। मानस उसे आरडी कॉलेज से पिक करता था रोज। सर वहीं पढ़ती है। जहां तक मेरी जानकारी है आप भी तो आरडी कॉलेज के ही छात्र हैं, है ना? सर मुझे तो आरडी कॉलेज से पास आउट हुए बहुत टाइम हो चुका है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने मानस को नहीं मारा है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है, अब जीनिया से पूछ लीजिए। जीनिया से? नहीं केडी सर, मैं हर्ष को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हर्ष मानस के बहुत क्लोज था, हर्ष कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता, हर्ष ऐसा नहीं कर सकता, विलास ऐसा नहीं कर सकता, अर्पिता ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा सत्य बोलती हो जीनिया, लेकिन अगर ये सारे ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कौन ऐसा कर सकता है? हत्या तो हुई है, इन्होंने नहीं की, ये तो किसने किया? भाई जीनिया जी, अगर आप पाठक जी की हर तीर को मोड़ती रहेंगी ना तो आखिर में निशाना आपके ऊपर जाएगा। मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी और पर उंगली नहीं उठा सकती, लेकिन सर सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ट्रुप में ऐसा कोई नहीं था जो मानस की जान लेना चाहे। हाँ हमें मानस से प्रॉब्लम थी, लेकिन इतनी हद तक नहीं कि हम में से कोई उसकी जान ले ले। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इजाजत है। देखो जीनिया, तुम चाहे जो कहो, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि मानस की हत्या हुई। उस सेब में किसी ने मूंगफली का तेल मिलाया, उस नकली चाकू का वहां से लापता होना, ये सारे इस बात का संकेत कि मानस की हत्या जीनिया ने की। और ये है इस केस का आखिरी सबूत, ताबूत पे आखिरी कील, क्योंकि पिक्चर अब बाकी नहीं मेरे दोस्त। ये है वो सबूत, वो नकली चाकू, जिस चाकू का उस नाटक में उस रात इस्तेमाल होने वाला था, जो जीनिया के स्कूटर की डिग्गी में से मिला था। इसने विलास की भूलने की आदत का फायदा उठाया और वो नकली चाकू की जगह असली चाकू रखा, और फिर वो नकली चाकू उठा के थिएटर के बाहर अपने स्कूटर की डिग्गी में जाकर रखा, और फिर उस असली चाकू के साथ उसने मानस की हत्या की। कौन इतना बेवकूफ होगा कि हत्या का औजार अपनी ही गाड़ी में रखे ताकि पुलिस वहां से उसे प्राप्त करे और आरोप सिद्ध हो जाए। स्पष्ट है कि किसी ने जीनिया को फंसाने का प्रयास किया है, इनके स्कूटर में ये रोपित किया है। किसी ने नहीं, बल्कि खुद जीनिया ने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही किया है, अब क्या थी वजह ये तुम बताओ? हमारा ठुकराया हुआ प्यार इसे पा नहीं सकी या कुछ और? नहीं झूठ। मानस के मौत से दो दिन पहले तुम डॉक्टर के पास गई थी, मानस के बच्चे की मां बनने वाली थी तुम, मानस के बच्चे की मां बनने वाली थी तुम। झूठ बोल रहे हो आप, क्या कह रहे हो? बहुत सारी हिंदी फिल्मों में ये सीन देख चुके हैं। यौन ये मानस के बच्चे की मां बन रही थी, मानस ने बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया होगा, तो ये बिन ब्याही मां बन के नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसने फोन करके मानस का इसका बदला लिया। झूठ कह रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं था। सच है, यही सच है, तुमने ही मानस का खून किया है। अब कैसे मुझ पे ये इल्जाम लगा सकते हो कि मैं सही हूं? अब कैसे? कोई डॉक्टर है यहाँ?
मैं डॉक्टर हूँ सर। हटिए हटिए यहाँ से, प्लीज मूव। पल्स बहुत फास्ट है सर, इन्हें बिठा देना चाहिए। स्टेज पे भी ड्रामा करती हैं, यहाँ भी करती हैं। सारे इल्जामों से बचने का बहुत सही तरीका निकाला है इन्होंने। दीनिया की बिगड़ी हुई हालत की वजह से ये अदालत मुलतवी करनी पड़ेगी। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं योर ऑनर, बेहोश लड़की से कैसे पूछताछ करेंगे। ठीक है, आज नहीं तो कल सही। योर ऑनर, कल नहीं, आज। मैं आज ही इस अदालत में प्रमाणित कर दूंगा जीनिया दोषी नहीं। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो डॉक्टर साहिबा, जिन्होंने अभी अभी जीना की तबीयत चेक की, उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। डॉक्टर साहिबा, आपने अभी अभी जीनिया के रक्तचाप की जांच की। जी। कैसे की? उनकी नव जांच। हाँ, वही पूछ रहा हूँ कि कैसे कैसे किस किस प्रकार से मेरी नब्ज जांची। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने सोचा था यारों, रक्तचाप इस प्रकार से जांचा जाता है पहली उंगलियों से। किंतु यारोनर, उस रात जब उस डॉक्टर ने अनस पाठक जी, क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? मैं प्रोसिक्यूटर साहब, उस डॉक्टर को ढूंढ रहा हूँ जिसने जिसने मानस को घटनास्थल पर मृत घोषित किया था। योर ऑनर, जिकीशा जी के पति भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरज जगासी, उम्र 52। आपकी अनुमति हो योर ऑनर तो कटघरे में बुलाकर। जिकीशा जी, मैंने ठीक बताया जज साहब को कि आपके पति नीरज जगासिया एक डॉक्टर हैं, 52 वर्ष की उम्र है उनकी। ठीक ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ जी। उनकी उनकी कोई फोटो, कोई चित्र है उनका आपके पास? जी नहीं। मैं आपका फोन देख सकता हूँ? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, किसी की पर्सनल किसी भी चीज को अदालत में इस तरह से मांगना उचित नहीं। योर ऑनर, मुझे पूरा पूरा संदेह है कि इनके दूरभाष यंत्र पर इस केस का रहस्य छिपा हुआ है, अगर आप अनुमति दें तो। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अपना मोबाइल फोन मिस्टर पाठक को दीजिए। बहुत सारे चित्र हैं आपके। हाँ, किंतु मैं इस चित्र को ढूंढ रहा था। आप बड़ी सुंदर लग रही हैं इस चित्र में, साथ में ये जो बालिका हैं ये निसंदेह आपकी सुपुत्री, और ये जो व्यक्ति हैं इन्हें तो हम सब ने देखा है। उस रात मानस को मृत घोषित करने वाले डॉक्टर नीरज जगासिया, उम्र 52 वर्ष, आपके पति। विचित्र बात है, आपने कभी बताया नहीं हमें कि आपके पति डॉक्टर हैं। आपने ये भी नहीं बताया कि वो आपके पति हैं। क्यों जी? वो मैं संभवतः इसलिए क्योंकि आपके पति डॉक्टर हैं ही नहीं, वो तो अध्यापक है। ऐसी जानकारी मेरे सहायक वरुण ने प्राप्त की है कि ऑनर, एक टीचर डॉक्टर बन के स्टेज पर क्यों आएगा? मानस की हत्या करने। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अदालत को बताता हूँ कि अंततः हुआ कि जिकीशा और इनके पति नीरज ये जानते थे कि मानस को मूंगफली के तेल से एलर्जी। वो ये भी जानते थे कि नाटक शुरू करने से पहले मानस किसी भी फल का सेवन करता। बड़ी चतुराई से इन्होंने हर फल में इंजेक्शन द्वारा मूंगफली का तेल। हर्ष ने मानस को अनजाने में वो सेब दे दिया योर ऑनर, जिसका सेवन मानस ने किया, और नाटक के समय एलर्जी की प्रतिक्रिया शुरू हुई और मानस स्टेज पर गिर पड़ा। यही जिगीशा और नीरज चाहते थे।
कि वो स्टेज पर गिरे और जैसे ही किसी ने डॉक्टर को आवाज दी और ऑनर नीरज लपक कर मंच पर गए, उन्होंने नकली चाकू निकाला, असली चाकू मानस के पेट में घुस गया। क्षणों बाद खड़े होकर ये कहा, He's no more। घटना के पश्चात से ये ऑनर जिगीशा जी का पति लापता है, क्योंकि इनका पति नीरज जगासिया ही मानस का प्यारा है। पाठक जी, आप इस क्लाइमेक्स तक पहुंचे कैसे भाई? योर ऑनर, अभी अभी जब जीनिया यहाँ बेहोश हुई और डॉक्टर साहिबा ने उनका नब्ज जांचा, मुझे याद आया कि जब मानस बेहोश हुआ था तो जो डॉक्टर का नब्ज देख रहा था वो दो उंगलियों का उपयोग नहीं, अंगूठे से नब्ज जांच रहा था। योर ऑनर, कोई भी डॉक्टर अंगूठे से नब्ज नहीं जांचेगा, अगर वो नकली डॉक्टर तो ही ऐसा करेगा। लेकिन इनके पति पर आपको शक कैसे हुआ? योर ऑनर, क्योंकि कोई भी यहाँ उपस्थित सगे संबंधियों में से 52 वर्षीय नहीं था, केवल इनके पति ही 52 वर्ष के थे। और मुझे पूरा संदेह कि ये जो तीसरी लड़की की बात हो रही थी जिसके साथ मानस का चक्कर चल रहा था, वो ये ही है, आपकी सुपुत्री। क्या मैं सही कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? हाँ पाठक साहब, वो मेरी बेटी है, केतकी। केतकी को मानस ने अपनी जाल में फंसा लिया था और 4 महीने बाद मानस से धोखा खाने के बाद केतकी ने अपनी जान ले ली, खुदकुशी कर ली उसने। समाज की नजरों से हमने इस बात को छुपा लिया और उसे एक हादसा साबित कर दिया। इससे मानस कानून की नजरों से तो बच गया, लेकिन वो हम दोनों की नजरों से कैसे बचता? हाँ हाँ जज साहब, मानस को मैंने और मेरे पति नीरज ने मारा है। The defense rests. ये अदालत मिस्टर मानस के कत्ल के इल्जाम में नीरज जगासिया और उनकी पत्नी जिगीशा को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस जीनिया को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। आज्ञा है प्रोसिक्यूटर साहब। बस एक बार फिर से मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको चलचित्रों का बड़ा ज्ञान है। हाँ वो तो है। ये जो नाटक होते हैं, ये नाटक वाटक देखते हैं आप या सिर्फ करते हैं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।